हेलो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश रीडर क्लास थ्री चैप्टर थ्री मंकीज़ एंड पुअर वुमेन इंट्रोडक्शन मंकीज़ आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स मंकीज़ ह्यूमन बींग की तरह बिल्कुल सिमिलर होते हैं दे आर फेस ईयर्स एक्शंस फूड इट सी आर वेरी सिमिलर टू मैन उनका जो चेहरा कान उनके उनके क्रियाकलाप उनका भोजन ये सभी बिल्कुल मैन की तरह होता है दे कॉपी मैन एंड ट्राई टू बिहेव लाइक देम बिहेव लाइक हिम वो मैन की कॉपी भी करते हैं और उनकी तरह व्यवहार भी करने की कोशिश करते हैं हियर इज ए स्टोरी ऑफ सम मंकीज़ यहाँ पर एक मंकीज़ की कहानी है हु रेंग द बेल लाइक मैन एंड द पीपल उन्होंने एक मनुष्य की तरह एक घंटी बजाई और लोगों को डराकर भगा दिया और डरा दिया लोगों को लेट लेटस सी हाउ डिड दे डू सो एंड हाउ वॉज द फियर ऑफ द पीपल डिस तो आओ हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया और लोगों को किस प्रकार से उन्होंने डराया वंस देयर लिव्ड सम मंकीज़ इन ए फॉरेस्ट एक बार एक जंगल में कुछ मंकीज़ रहते थे दे यूज टू जम्प एंड रन हेयर एंड देयर इज और वो हमेशा यहाँ वहां जंप करते रहते थे इंसिडेंटली घटना बस वन डे दे री ए माउंटेन एक बार वो एक पहाड़ पर चले गए देयर दे फाउंड अ बैल वहां पर उन्हें एक घंटी मिल गई प्रोबेबली सम मस्ट हैव स्टेड ऑन द माउंटेन एंड हैड फॉरगटन देयर बैल देयर संभवतः कुछ यात्री वहां पर रुके होंगे उस पहाड़ पर और हो सकता है अपनी घंटी को वहाँ पर भूल गए होंगे द मंकीज़ कैरीड अवे द बैल मंकी ने वो बैल ले ली वेन अ मंकी वॉज रनिंग विद द बैल इट ओबियसली रैंग एंड मेड द अदर मंकीज हैप्पी जब भी एक मंकी बैल को लेकर भागता था तो स्पष्ट रूप से उसमें आवाज़ आती है मंकी की उस बैल की आवाज आती है एंड अदर मंकीज और दूसरे मंकी खुश हो जाते थे रिंगिंग ऑफ द बैल बिकेम ए नाइस गेम फॉर द मंकीज घंटी को बजाने के का काम मंकीज के लिए एक नाइस nice गेम बन गया था दे लाइक इट सो मच दैट दे रेंग इट डे एंड नाइट उन्होंने इसे बहुत पसंद किया और उसे दिन और रात बजाते थे द पीपल इन द टाउन ब्लो

लोगों ने डर की वजह से कस्बे को छोड़ना शुरू कर दिया था दे नेम्ड द ऑगर देव घंटाल उन्होंने उस भूत का नाम देव घंटाल रख दिया था देयर लिव्ड ए पुअर वुमेन इन द टाउन उस गांव में एक गरीब महिला रहती थी सिवा जनेबल टू लीव द टाउन एंड गो एनी वेयर एल्स वो उस कस्बे को छोड़ने में असमर्थ थी और कहीं भी जाने में भी समर्थ नहीं थी बट सी वाज लेकिन वो बहुत ही साहसी थी डे सी बेंट अप द माउंटेन टू सी व्हाट वाज द मैटर एक दिन वो पहाड़ पर गई ये देखने के लिए कि क्या मामला है क्या बात है सी हर्ड द बेल एंड वॉज वेरी मच सरप्राइज उसने घंटी की आवाज़ सुनी और वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुई आश्चर्यचकित हुई बट सी वॉज नॉट एफरेट लेकिन वो भयभीत नहीं हुई सी बेंट ऑन हायर एंड हायर वो ऊँचाई पर चढ़ती गई चढ़ती गई सी लुक्ड डीप इन द बेली एंड साम मंकीज रिंगिंग द बेल उसने नीचे बैली में जब गहराई में जाके देखा कि मंकीज घंटी को बजा रहे थे सींग दिस सी स्माइल्ड एंड केम डाउन यह देखकर वह मुस्कराई और नीचे आ गई द वोमैन बैंड टू चीफ ऑफ द टाउन एंड सैड अब वह वूमैन उस कस्बे के मुखिया के पास गई और कहा सर इफ आई ड्राइव from द mountain, will द माउंटेन me a reward? सर क्या यदि मैं पहाड़ पर से उस भूत को भगा दूँ तो क्या आप मुझे रिवार्ड देंगे क्या आप मुझे इनाम देंगे द चीफ ऑफ़ द टाउन ग्लेडली एग्रीड टू रिवार्ड हर सीटेबली इफ सी ड्रॉप अवे द ऑगर तो जो टाउन का जो मुखिया था वो प्रसन्न हो गया और रिवार्ड देने के लिए भी एग्री हो गया कि यदि वह उस ऑगर को भगा देगी तो वो उसे रिवार्ड देगा द took a बिग बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड बेंट up द माउंटेन औरत ने एक बड़ी फलों से भरी हुई बास्केट ली और पहाड़ पर चली गई सी सौ द मंकीज रिंगिंग द बेल। उसने देखा कि मंकी घंटी को बजा रहे थे नाउ सी बेंट डाउन द बैली एंड थ्रू अवे द फ्रूट्स फ्रॉम हर बास्केट अब वो बैली में नीचे की तरफ आई और उसने अपनी बास्केट में से फलों को फेंकना शुरू कर दिया द

ओन हर वे बैक सी बरीड द बेल डीप इन द्राउंड और रास्ते में उसने उस घंटी को बहुत गहराई में दफना दिया दैन सी बैन टू द चीफ ऑफ द टाउन एंड टोल्ड हिम दैट सी हैड सेंट अवेद देव घंटाल इसके बाद वह उस टाउन के चीफ या मुखिया के पास गई और उससे कहा कि उसने देव घंटाल को भगा दिया ऑल द पीपल एंड द चीफ ऑफ द टाउन वर वेरी हैप्पी सभी लोग और कस्बे का मुखिया बहुत खुश थे दे थैंक्ड द वोमैन उन्होंने उस वोमैन को धन्यवाद दिया एंड गेव हर ए गुड रिवार्ड और उसे एक अच्छा इनाम दिया ना द पीपल ऑफ़ द टाउन लिव्ड इन पीस और अब गाँव के लोग शांतिपूर्वक रहने लगे और इस लेसन की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग आप एक्सरसाइज वर्कबुक में करेंगे और वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में नोट करेंगे थैंक यू